वो लिस्ट कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, सभी चाहते हैं। नमस्कार, मुंबई लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की खबर से। जी हां, हर कोई चाहता है कि सचिन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया जाए, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर राजनीतिक पार्टियां। लेकिन आपको ये जानकर शायद सदमा लगेगा, आप चौंक पड़ेंगे कि सचिन को यह सम्मान नहीं दिया जा सकता। जी हां, स्टार न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया है कि भारत रत्न सचिन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिन पैरामीटर्स के तहत, जिन दायरों के तहत, जिन नियमों के तहत भारत रत्न सम्मान किसी को दिया जाता है, उस दायरे में सचिन तेंदुलकर फिट नहीं बैठते हैं। Gets it. First man on the planet to reach 200. क्रिकेट के खुदा बन चुके सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। उनका योगदान क्रिकेट के लिए भले ही ऐतिहासिक हो, आश्चर्यजनक हो, अद्भुत हो, अविस्मरणीय हो, लेकिन इनमें से कुछ भी उन्हें भारत रत्न के लिए उपयुक्त नहीं बनाते, क्योंकि भारत के इस सबसे बड़े नागरिक सम्मान के दायरे परिभाषित हैं और इन परिभाषाओं में तेंदुलकर के लिए गुंजाइश फिलहाल नहीं है। यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जनसेवा में उत्कृष्टतम योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यही है भारत रत्न का दायरा। इसमें कहीं भी खेल का जिक्र नहीं है, मतलब तेंदुलकर को अगर सरकार भारत रत्न देने का मन भी बना लेती है तो तकनीकी अड़चन उसके कदम रोक देंगे। इसके लिए तय परिभाषा बदलनी होगी, उसका दायरा बढ़ाना होगा, उसे व्यापक बनाना होगा। भारत रत्न के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक ये कुल 41 लोगों को दिया गया है, लेकिन उनमें से एक भी खिलाड़ी नहीं है। किसी भी खेल में आपका योगदान चाहे जितना बड़ा हो, आपको भारत रत्न नहीं मिल सकता। इसी भारत में क्रिकेट के कायदे बदल देने वाले तेंदुलकर को भारत रत्न नहीं मिल सकता। इसकी जगह निकाल भारत रत्न की पात्रता के दायरे में खेल को भी शामिल करना होगा। जाहिर है ये कवायद आसान नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस शख्स ने क्रिकेट के कायदे बदल दिए हैं, उसके लिए सम्मान के कायदे क्यों नहीं बदले जा सकते? भारत रत्न के कायदे कानून नहीं बदले जा सकते हैं? अपने हर सपने को सच में बदलने की काबिलियत रखने वाले सचिन तेंदुलकर का एक सपना पूरा होना भी बाकी है, और वो सपना है भारत रत्न हासिल करने का। वैसे तो सचिन कभी अपनी हसरतों का इजहार नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इस हसरत का इजहार कर ही दिया। सचिन उस समय पूरे हुए हैं, एक नई चर्चा शुरू हुई है, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कई सारे फॉर्मर प्लेयर्स ही चाहते हैं कि आपको भारत रत्न दिया जाए। जब आपने पहली बार ये सुना तब आपके दिमाग में क्या आया? आई थिंक ऐसा अवार्ड तो बहुत कम बार होता है, और काफ़ी सारे जिन्हें जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो सिर्फ मेरे ही मगर सारे देश के बड़े हीरोज हैं, और वो लिस्ट कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, सभी चाहते हैं, मगर मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मुझे खेलना है, जब वो होना है तो हो जाएगा, मगर ये तो हर भारतवासी का ख्वाब होता है, और अगर होना है तो जरूर होगा। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, हर भारतवासी का ख्वाब भारत रत्न। देश के इसी सबसे बड़े सम्मान को पाने की सचिन की भी ख्वाहिश है। सचिन ने इससे पहले कभी अपनी ये खास ख्वाहिश किसी से बयान नहीं की थी, लेकिन सचिन भी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले देश के गिने चुने महान लोगों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा अवार्ड तो बहुत कम बार होता है, और काफी सारे गिने चुने ये अवार्ड मिला है वो सिर्फ मेरे ही मगर सारे देश के बड़े हीरोज हैं, और वो लिस्ट कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, सभी चाहते हैं। सचिन को कोई जल्दी नहीं है। जिस तरह वो मैदान पर पिछले 20 सालों से लंबी पारियां खेल रहे हैं, उसी तरह वो अभी और खेलना चाहते हैं।
मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं, मुझे खेलना है, जब वो होना है तो हो जाएगा। Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India. सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मांग तब से जोर पकड़ने लगी है जब पिछले दिनों ग्वालियर वनडे में दोहरे शतक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने ये बात उठाई थी। सचिन ना भारत रत्न मिळावा असा शिफारस अशी शिफारस निश्चित आम्ही करू। सीएम के बाद शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी सचिन की तुलना विक्रमादित्य से करते हुए उन्हें निश्चित तौर पर भारत रत्न देने के लिए जोर दिया था। सचिन हा विक्रमामागून विक्रम रचत चाललेला आहे, मी मोडत चाललेला असं मी म्हणत नाही आहे, कारण तो स्वतःच एक विक्रम आहे आणि विक्रमादित्याचं यथोचित कौतुक हे आपल्या देशाने केलंच पाहिजे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अलावा देश की कई नामी हस्तियां भी सचिन को भारत रत्न देने की मांग कर रही हैं। I think Sachin Tendulkar is a huge icon and any award is something that he's deserving of. I think the highest honor should be given on to him. I'm his hugest fan. I remember getting stuck with him in the lift once and I didn't even have the guts to say hi to him because I was so nervous. So that's as big a star as he is in my eyes and I'm sure in the eyes of the entire country and the entire world. बहरहाल भारत रत्न सम्मान के लिए सचिन के नाम पर जब भी विचार हो, लेकिन सचिन सही मायने में भारत रत्न है। आखिर सचिन को क्यों नहीं दिया जा सकता भारत रत्न? किताब कहती है कि ऐसा कानून है, इस वजह से नहीं दिया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए कि जिस शख्स की वजह से क्रिकेट के कायदे कानून बदल गए हों, क्या उसके लिए सिर्फ एक पुरस्कार के कानून को नहीं बदला जा सकता? बहरहाल जो लोग सचिन को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सचिन भारत रत्न हासिल करने के लिए बिल्कुल फिट व्यक्ति हैं। वो लिस्ट कौन भी ज्वाइन करना चाहेगा, सभी चाहते हैं।